वेलकम टू माय चैनल ग्रियंका। और गाइस मैं हूँ प्रियंका और मैं आई हूँ डिंग डोंग गर्ल्स के साथ। तो गाइस आज हम ट्राई करने वाले हैं वायरल रेसिपी, किसके ऊपर? वियर्ड फूड के ऊपर। तो गाइस आपने बहुत सारी वियर्ड फूड के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, उन्हीं में से जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस हुई है वही आज हम अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाने वाले हैं और उनका टेस्ट करने वाले हैं कि वो सच में वियर्ड लगती भी है नहीं, या लोगों ने फेक ऐसे पता नहीं यार क्या खा लिया और ये क्यों खा लिया। देखो गाइस जब हम फूड बनाते हैं ना, अगर वो अच्छा बन जाता है तो वो हो जाता है टेस्टी, और वही वो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है तो वो फूड क्या हो जाता है? वियर्ड। तो गाइस ये हमने सारी बातें सुनी है कि देखो ये वाला फूड अगर इसके साथ आ रहा है और हम उसका कॉम्बिनेशन खा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाता है। बट हम ट्राई करेंगे और हम आपको रिव्यू देंगे कि आपको वो ट्राई करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो गाइस अब हम जल्दी से अपना ये फनी सा चैलेंज शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमारा पहला फूड होने वाला है। एनी गैसेस गाइस? बहुत सारे बेकार है लेकिन आप बता दो। गाइस बाहर हो रही है बारिश और आज बनने वाले हैं पकौड़े, वो भी किसके? ओरियो पकौड़े। ओरियो पकौड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है ये ओरियो बिस्किट और बेसन और कुछ मसाले। तो अब मैं सबसे पहले इसमें ये बेसन डालने वाली हूँ और उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले, नमक। पूजा कितनी एक्साइटेड हो तुम इनको खाने के लिए? मैं खाऊं इन्हें? बिल्कुल नहीं गाइस। अगर मुझे भूख भी लगी होगी ना वो मर भी जाएगी। मसाले डाल दिए हैं हमने और उधर रिफाइंड हमारा हो रहा है गरम। अब इसमें थोड़ा सा करते हैं पानी मिक्स। प्रियंका बना तो रही हो, खाओगी पक्का? अब वो तो पता नहीं भाई। भाई मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे अंदर से कैसा लग रहा है कि मतलब ओरियो और बेसन मिक्स करना। मेरे सपने में मत आके डराना। नहीं तुम्हें कौन कौन से पकौड़े पसंद है ये बताओ मुझे। मुझे प्याज के पकौड़े पसंद है, ठीक है। मुझे पालक के भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। नॉर्मल आलू वाले भी अच्छे लगते हैं। अच्छा वो पुनीत वाला? अच्छा आज से तुम्हें ओरियो के पकोड़े भी अच्छे लगेंगे। नहीं भाई। ओके सो गाइस ये हमारा रेडी है। तो पूजा जल्दी से दो मेरे को बिस्किट। Yes. जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो गाइस देखो ये हमारे ओरियो बिस्किट कितने ज्यादा यू नो टेस्टी होते हैं। अंदर की जो क्रीम होती है, बाहर की क्रंचीनेस होती है, ये खराब होने वाली है। लाओ मैं बनाती हूँ इसके ओरियो पकौड़े। बस थोड़े दूर हो जाना क्योंकि गाइस देखो मेरे को भी नहीं पता ये जब कढ़ाई में जाएंगे तो उसके बाद कितना बड़ा ब्लास्ट होगा या क्या होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो भाई एक तो हमारा तेल भी तक गर्म हो गया है। ओके यार देखते देखते क्या से क्या हो गई। ओह माय गॉड मेरे दिल में दर्द हो रहा है। दिल में दर्द मत करो बिल्कुल भी। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे ओरियो पकोड़े जो कि बन रहे हैं कढ़ाई में। पहले तो मेरे को ये डर लग रहा था कि ये अगर कढ़ाई में गया तो ये ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। देखो गाइस इससे पता चलता है प्रियंका को पकोड़े बनाने आते हैं। मैं पलट देती। ओ भाई देखो पूजा चिपक गया ये नीचे। पूजा बच के बच गया। हाँ मैं वही कह रही छींटे आ रहे थे ना एकदम से। तो गाइस अब आप देख सकते हो हमारे ओरियो के पकोड़े बनके एकदम रेडी है। वाओ तो गाइस ओरियो के पकोड़े बनके रेडी है मेरे हाथ में। और गाइस देखो देखने में तो ये बहुत यम्मी लग रहे हैं। नॉर्मल पकोड़े की तरह। हाँ बिल्कुल नॉर्मल पकोड़े की तरह लग रहे हैं। बट अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये ऊपर से पकोड़े हैं बट अंदर से चॉकलेट की फिलिंग, मतलब ओरियो की फिलिंग। तो गाइस केचप भी लेकर आए हैं। देखो ग्रीन चटनी मिस कर दी यार। तो गाइस अब मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ और डिंग डोंग गर्ल्स आप लोग भी टेस्ट करो और बताओ उसका टेस्ट कैसा है। मुझे लगा पूरा का पूरा बिस्किट ही निकलेगा ये तो। मेल्ट हो गया। मैं दोनों साइड
से बेसन बेसन का टेस्ट अंदर से। भाई जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया है ना, आज के बाद किचन में मत जाना, बिल्कुल मत जाना। और गाइस ये ओरियो पकौड़े तो बिल्कुल ट्राई मत करना, सच में बता रही हूँ। आप ये बोलोगे इसमें खाना क्या है, छोड़ना क्या है, तो ये तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना, और ना ही इसको खा के बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है। देखो गाइस ये अंदर से कैसे हो गए, कहाँ से ये भी ओरियो बचा है, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है मेरे को तो खाने में। आप मैं केचप के साथ ट्राई कर रही हूं, उसने बोला ना ट्राई करो। तो गाइस ये सच में वियर्ड है, और देखो अगर आप हमसे इतना भी प्यार करते हो ना तो इनको ट्राई मत करना, करने भी हो तो बीच का फिर ओरियो और क्रीम निकाल के खा लेना। ओके सो गाइस अब हम सेकंड वायरल बियर्ड फूड बनाने वाले हैं। गाइस गेस कर सकते हो क्या हो सकता है वो? हम ना मैगी के साथ कुछ छेड़खानी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो गाइस अब हम बनाने वाले हैं फेंटा मैगी। गाइस हमारा सेकंड फूड बनाने के लिए, वियर्ड फूड बनाने के लिए हमारे पास है मैगी एंड फेंटा, और उसके लिए पहले हम पानी बॉइल कर रहे हैं और उसके बाद इसमें मैगी ऐड करेंगे, और ऊपर से शिवानी क्या ऐड करेंगे, फेंटा। बहुत ही गंदा टेस्ट होने वाला है क्योंकि ये मीठा होता है और मैगी चटपटी अच्छी लगती है। लेट्स सी गाइस अब क्या टेस्ट आने वाला है। ओके सो अब इसमें हम डाल रहे हैं मैगी। ओह माय गॉड शिवानी तुमने कितने टाइप्स की मैगी खाई है? मैंने सिर्फ मैगी खाई है, ये हमारी पॉपुलर मैगी जो ये फेमस मैगी है वही खाई है और कुछ नहीं। नहीं मतलब होता है ना वेजी डाल के, प्लेन मैगी इतनी नहीं पसंद जितनी वेजीज के साथ पसंद है। और फेंटा वाली मैगी खाई है हमें चैलेंज किया था फेंटा मैगी का, बट देखते हैं ये मैगी कैसी रहती है। तो गाइस अब हम मैगी का मसाला डाल लेते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, बट और उसके बाद गाइस मैं डालूंगी इसमें फेंटा जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। प्रियंका को बहुत खुशी हो रही है। वाओ गाइस मन तो ऐसे कर रहा है कि 24 आवर्स वियर्ड फूड चैलेंज करूं मैं, पता है। और फिर पेट भी कहेगा वियर्ड वियर्ड। गाइस इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, अभी आएगी जो फेंटा डलेगी ना और ज्यादा खुशबू आएगी। तो गाइस अभी आधी मैगी पकी नहीं है और वो अब आधी मैगी पकेगी इसके साथ, फेंटा के साथ। बस क्या अनर्थ कर रहे हो, माय गॉड गाइस इसका कलर चेंज हो गया, ठीक ना इसका कलर चेंज कर दिया गाइस, मैगी का कलर चेंज हुआ, इट मींस मैगी चेंज हुई। और गाइस अब हम देखते हैं कि हमारी फेंटा मैगी कैसी बनी होगी। वाओ गाइस मैं बना के लेके आ गई हूँ, मतलब मैं और शिवाजी बना के लेके आ गए हैं फेंटा मैगी। फेंटा और मैगी गाइस दोनों को अलग कर दो, दूर कर दो। चलो भाई टेस्ट करते हैं फेंटा मैगी, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पता नहीं प्रियंका ना मैं बता रही हूँ आज जैसे वीडियो स्टार्ट हुई ना वो बियर्ड फूड ट्राई करने के लिए इतनी उतावली है, मतलब बस जबकि डिसअपॉइंट भी हो चुकी है। सबसे पहले यही बोला। और गाइस हम खा रहे हैं फेंटा मैगी। मतलब बुरी नहीं है ना, बुरी है ना अच्छी, खा सकते हैं, इतनी भी बुरी नहीं है। सबके अपने रिव्यू होते हैं, खुशी ने रिव्यू दिया है बेटर बेटर है, शिवानी नहीं मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, जो मैगी होती है ना बहुत ही अच्छी होती है, ये नहीं। गाइस देखो मेरे अकॉर्डिंग ये है, अगर आप मैगी और फेंटा को एक साथ बनाओगे ना मैगी से भी नफरत हो जानी है और फेंटा से भी नफरत हो जानी है, ठीक है। अगर आप मैगी लवर हो ना नॉर्मल भाई पानी में बॉईल करो और मजे से खाओ, फेंटा लवर हो तो इसको ग्लास में डाल के पियो, मैगी में नहीं, ठीक है। तो मेरे लिए ये बियर्ड फूड बिल्कुल ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं पूजा के पास। गाइस मेरे से आप क्या ही पूछोगे, मुझे जो फेंटा है ना यही पसंद नहीं है, तो मैं इसकी मैगी कैसे खाऊं, एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी। मैंने एक वीडियो देखी उसमें
क्या क्या डाला वो मैं आपको बताती हूँ। आज गाइस हम बहुत यूनिक तरीके से बनाने वाले हैं बनाना चाट। तो गाइस हमने बनाना चाट बनाने के लिए लिए है बनाना, कुछ चॉकलेट्स, फिर यहाँ पर है टकाटक और इधर है चिप्स और ये है आलू भुजिया। तो गाइस मुझे तो लग रहा है कि आपने इससे पहले ऐसी बनाना चाट तो कभी नहीं खाई होगी, हमने भी नहीं खाई है। फ्रेंक को पता है मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूं कि कैसी लगने वाली है। मेरे को तो ये दे दो गाइस, मैं आपको बताऊं नाइट से तो सिर्फ बनाना की बॉडी कटती है, ठीक है, यहाँ से ना बनाने की आत्मा कट जाएगी। सही में बनाना कटे ना कटे ये मैं जरूर कट जाऊंगी अगर इसे हाथ से नाइट खाता हूं। भाई ये मेरा फेवरेट काम है, देखो चॉपिंग मजा आता है ना। हाँ ठीक है, तो गाइस पहले हम इसमें डालते हैं टकाटक। बनाना में टकाटक ये मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, बट ये भी कर लिया ये सब देखना रह गया। यार मेरे फेवरेट टकाटक की मृत्यु हो रही है। देखो गाइस अगर किसी को बनाना पसंद नहीं है तो वो बनाना का चाट बना के खा सकता है। वाओ नया एक्सपेरिमेंट करो जिंदगी में, फन लाओ, फन फन। तो गाइस अभी मैंने इसमें पुदीना चिप्स डाले हैं और अब इसके बाद में डालने वाली हूँ आलू भुजिया। और हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। और अब इसमें जा रही है गाइस ये यम्मी सी मंच। पता है अगर इसमें ये तुम स्नैक्स ऐड ना करके सिर्फ चॉकलेट करती ना तो एक बार इनको मैं सोचती कि हाँ अच्छा लगेगा। ओके गाइस यार नेक्स्ट मत करो। गाइस देखो देखने में तो ये फिर भी ठीक ठाक लग रही है और अब मुझे नहीं पता खाने के बाद इसका कैसे टेस्ट आएगा। जिंदा वापस कर भेज देना। तो गाइस देखो जो मैंने लिया है अपने स्पून में आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, चॉकलेट भी है, बनाना भी है, नमकीन भी है और जो भी कुछ डाला है ना सब कुछ है। और अभी ये जाने वाला है गाइस मेरी स्पून में भी वही सब है जो इन्होंने जहर डाला। सबके में वही आएगा। बनाना मेरी चीज है गाइस, सच बात है ये भाई, एक्सपेरिमेंट करो ही मत क्योंकि फूड भी अपना वेस्ट होता है और उसके बाद ना मन जो दुखी होता है वो तो होता ही होता है, इसलिए हमने बहुत कम क्वांटिटी में ये बनाना चाट बनाई थी क्योंकि मुझे हमें पता था होने वाला है क्या है एक्चुअल में। जो जैसे रहता है उसको ऐसे ही खा लो टेस्ट से लेके बेफालतू में इधर उधर एक्सपेरिमेंट करो। सच में मैं बता रही हूँ इसे खा के ना मेरे पूरे बॉडी से वाइब्रेशन हुई है ना। इतना गंदा वे क्यों मतलब क्यों करते हो यार रेंगा, यहाँ कुछ होने लगा मेरे। मैंने एक साइड खाई है वहीं से ही पता नहीं शुरू हो गई कुछ। तो गाइज हमने ज्यादा रेसिपी ट्राई नहीं की क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम ज्यादा फूड खराब करें, वेस्ट करें। तो गाइस जो भी हमने ट्राई किया है वो बिल्कुल सच में वियर था, मन करता है अंदर से कि देख के कि हाँ ट्राई करना चाहिए, बट गाइस आप ट्राई मत करना घर पे, ये टेस्ट लेस है। गाइस हमारा चैलेंज यहीं पर ओवर होता है, आपको देखने में मजा आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से चैलेंज के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय।